तो यहाँ पर आ गई है समस्या, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है द गुड्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर राम, यानी मिस्टर राम से खरीदा जा रहा है। ये तो क्लियर है कि मिस्टर राम क्रेडिटर पार्टी है, तो हमें मिस्टर राम का एक लेजर बनाना होगा और फिर उसी को हमें, उसी के थ्रू हमें एंट्री पास करनी है। ये भी क्लियर है कि परचेज किया जा रहा है तो परचेज वाउचर में जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि इकट्ठा ये दाम दे दिया गया है यहाँ पे ₹5,000, यानी कि ₹5,000 में कुछ सामानों को परचेज कर लिया गया है और उन सामानों की लिस्ट यहाँ दी नहीं गई है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो अभी इसको समझते हैं, ठीक है। कैसे पास करेंगे एंट्री, यहाँ पर जैसे ये कंफ्यूज हुई है लड़की, तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आइटम इनवॉइस मोड में रहते हुए यहाँ मिस्टर श्याम का राम का लेजर इनपुट किया है, यहाँ पे लगाया गया है और फिर एंटर करके यहाँ पर आए हैं, फिर यहाँ लगा लिया गया है परचेज अकाउंट का लेजर, जैसा कि देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आइटम की लिस्ट तो है नहीं, तो यहाँ आइटम मोड में हम रह ही नहीं सकते, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको आइटम इनवॉइस मोड दिख रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दिख रहा है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वाउचर मोड में कैसे एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर राम का लेजर आ जाएगा, बाकी सब एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही हम मोड चेंज करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन मोड में आएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि पर्टिकुलर आ गया है और यहाँ पे रेट आ रहा है, ठीक है। तो क्या इस वाउचर में इस वाले क्वेश्चन की एंट्री पास की जा सकती है, द गुड्स हैव बीन परचेज, अगर नहीं की जा सकती तो आपको फिर मोड चेंज करना होगा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए कहां जाएंगे, यहां पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं और एज वाउचर कर दीजिए। अब यहां पर जो है वाउचर मोड आ गया है, अब यहां पर आपको क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन्हीं से आप सामान परचेज कर रही है, ठीक है। तो यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पर क्या डालेंगे, यहां पे अमाउंट डालेंगे, हां 5,000 डालो, 5,000 एंटर। यहां पर आ गए, यहां पर क्या आएगा, गुड्स नहीं, क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, ये हमारा क्वेश्चन है द गुड्स हैव बीन और ये क्या लिखा हुआ है, purchase. तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, okay. तो इस तरह के जब सवाल आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम की डिटेल तो दी नहीं गई है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ गए, एंटर किया, यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ देता हूँ नरेशन, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ, बस यही एंट्री है। समझ में आई बात, ओके।